बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुआ है आप तमाम देखने वाले दोस्त साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, इफ्तार से पहले की रौनकें किस तरह हैं, लोग किस तरह इफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको इस वक्त दिखाएंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं अल हसन नाज़ाबाद फूड स्ट्रीट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी टाइम पर बेइंतहा रश होता था, लेकिन आजकल आपको मालूम है महंगाई के इस दौर में अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो साहिब इज़्ज़त वाले लोग वो परेशान हो चुके हैं। कीमतें आसमान के ऊपर हैं, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर किसी पिछले साल हमने यहाँ की अपडेट दी थी, यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कोई इतना ख़ास रश नहीं है यहाँ पर। बहरहाल महंगाई के इस दौर में जैसे भी है, अल्लाह ताला सबके रमज़ान पूरे करवाए और जो जो अच्छे से अच्छी इफ्तारी जो है वो नसीब करे, आमीन। ये दुआ है हमारी हम सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हमारे मुल्क की मुश्किलातों को दूर अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, एक छोटी सी इफ्तार से पहले की एक वीडियो है जो हमने सोचा आपके लिए बनाई जाए। आप देख सकते हैं कुछ जगहों पर पकौड़े, समोसे, दही बड़े, ये तमाम चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन इतना ख़ास रश नहीं है। जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, इससे पहले एक साल पहले काफ़ी रश हुआ करता था, लेकिन अब ये ना अल हसन नाज़ाबाद फूड स्ट्रीट जो है वीरान है, इतना ख़ास रश नहीं है यहाँ पे। थोड़ा बहुत हमें कचौरी वाले के पास रश नज़र आ रहा है, लेकिन इतना ख़ास रश नहीं है। तो चलें अब आगे की तरफ निकलते हैं। जगह जगह इलाकों में तरक्याती काम जारी है, ये देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर। तो दोस्तों, यहाँ से दीजिए हमें इजाज़त, फिर आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।